नाउ, जैसा मैंने कहा कि एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है। अब ये एनर्जी मिल कहाँ से रही है? हमने कहा था कि यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स से कैसे मिल रही है? यूनिवर्स से किस फॉर्म में मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, क्यों मिल रही है? जैसा अगर हम बात करें सन की, तो सन से हमें एनर्जी मिल रही है किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। सन से हमें लाइट एनर्जी मिल रही है, तो यूनिवर्स में सन है और सन ने लाइट एनर्जी दी। और इसी तरह से अगर हम फूड की बात करें, तो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हमें अर्थ के अंदर से मिल रहा है, उसमें क्या है? मिनरल्स है, विटामिन्स है, बैक्टीरियाज हैं, तो इसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। लिविंग बॉडी जो है उसके थ्रू एनर्जी मिलती है। सो नाउ, अगर मैं एनर्जी के सोर्स को देखूं कि बेसिकली मुझे एनर्जी मिल कहाँ से रही, तो मैंने क्या करा? मैंने खाया फूड, मैंने फूड खाया, और मैंने फूड खा के एक टर्बाइन को घुमाया। जब मैं टर्बाइन को घुमाऊंगा तो क्या होगा? वही हमारा टोस्टर, वो टोस्टर चालू हो जाएगा। क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि मैंने फूड खाया, मैंने फूड खा के टर्बाइन घुमाया, और टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनी। टर्बाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी, उससे मेरा टोस्टर चालू हो गया। और फिर मैंने और फूड खाया, और मैंने वापस टर्बाइन घुमाया, और फिर से मेरा टोस्टर चालू हो गया। नाउ, अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं फूड खा के कॉन्स्टेंटली उस टर्बाइन को घुमाते जा रहा हूं। मैं घुमा रहा हूं टर्बाइन, घुमा रहा हूं। क्या होगा? जब तक मुझे फूड की सप्लाई होती रहेगी, जब तक मुझे फूड मिलता जाएगा, तब तक मैं टर्बाइन घुमा सकता हूं। मैंने खाना खा के टर्बाइन घुमाया और एक दिन तक घुमाता रहा। फिर मुझे खाने की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि मैं थक जाऊंगा। क्यों थकूंगा? बिकॉज मेरी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है वर्क में, तो अब मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे फूड खाना होगा, और मैं जब फूड खाऊंगा तो वापस से मुझे एनर्जी मिलेगी। फिर मैंने टर्बाइन घुमाना शुरू किया, फिर वो वर्क में कन्वर्ट होता चला गया। और इस तरह से अगर मुझे कॉन्स्टेंटली फूड की सप्लाई होती रहे, तो मैं कॉन्स्टेंटली उस टर्बाइन को घुमा सकता हूं। अगर मुझे फूड की सप्लाई रुक गई, तो मैं इस टर्बाइन को नहीं घुमा पाऊंगा, बिकॉज मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी। सो आई विल से फूड, दिस फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन। ये फूड क्या है? ये फूड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन के लिए। मैंने फूड खाया, और फूड से मैंने टर्बाइन घुमाया, फूड खा के एनर्जी ली, एनर्जी से टर्बाइन घुमाया, और टर्बाइन से क्या बना? टर्बाइन से बनी इलेक्ट्रिसिटी। तो टर्बाइन कब घूम पा रहा है? जब मैं टर्बाइन को एनर्जी दे रहा हूं, क्योंकि मेरी एनर्जी ही तो टर्बाइन में जा रही है वर्क के फॉर्म में। तो मैं कहूंगा कि फूड मेरे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और मैं टर्बाइन के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी हूं। सो आई विल से ह्यूमन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर टर्बाइन। जब तक मैं टर्बाइन को एनर्जी सप्लाई करते रहूंगा, तब तक टरबाइन चलता जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। जब मैं टरबाइन को एनर्जी सप्लाई करना बंद कर दूंगा, मैं सप्लाई करना कब बंद करूंगा? जब मुझे एनर्जी सप्लाई होना बंद हो जाएगी। तो इट मींस साइकिल कैसी हो रही है? मैंने फूड से एनर्जी ली, मेरे पास एनर्जी आई, मैंने वर्क में कन्वर्ट किया। वर्क में किसको किया? टर्बाइन को घुमाया। टर्बाइन से क्या हुआ? वापस से एनर्जी फॉर्म हो गई, एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी हो गई। तो हम कहेंगे कि फूड मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, और मैं टरबाइन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी। और टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, टरबाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, वो इलेक्ट्रिसिटी मेरे टोस्टर के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो आई विल से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर
टोस्टर। तो सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं? क्या सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही हो सकता है? नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वो टर्बाइन। टर्बाइन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? मैं हूं। मेरे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड है। फूड के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सन हो सकता है, अर्थ हो सकती है, मिनरल्स हो सकते हैं। ये सभी चीजें क्या है? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी एक से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती आगे बढ़ रही है। एनर्जी देखिए, फूड को आपने उगाया, कैसे? आपने सीड डाल दिया, सीड में उसने सोलर एनर्जी ली, वाटर की एनर्जी ली, और उससे उसने कन्वर्ट करा फूड के फॉर्म में। वो फूड की एनर्जी मुझे मिली, मैंने कन्वर्ट करा मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी से टर्बाइन घुमाया, टर्बाइन घुमा के उसे कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म। इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को मैं कन्वर्ट करते हुए आगे ले जा रहा हूं, और हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ, अब लेट्स से मैं कहता हूं कि मुझे ट्रेन चलानी। तो हमने ये तो समझ लिया कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करता रहे। अगर मैं फूड खा रहा हूं और टर्बाइन घुमाते जा रहा हूं, जहां फूड की सप्लाई रुकेगी वहां टर्बाइन रुक जाएगा, टर्बाइन रुकेगी इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी रुका तो टोस्टर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी वह होना चाहिए जो कॉन्स्टेंटली हमें एनर्जी सप्लाई करता रहे। जैसे कि एक ट्रेन, मुझे एक ट्रेन को चलाना है। तो आपने देखा है कि पुराने जमाने में जो ट्रेन होती थी, वो ट्रेन में क्या होता था? वो ट्रेन चलती थी कोल से। आप उसके इंजन में कोल डालते थे, कोल को जलाते थे, और कोल के जलने से स्टीम पैदा होती थी, धुआं पैदा होता था, और उससे वो ट्रेन आगे बढ़ती थी। और ट्रेन आगे बढ़ती जाती थी, जब तक आगे बढ़ती थी जब तक आप कोल उसमें सप्लाई करते जाते थे। तो आपने कोल सप्लाई किया, ट्रेन चली, कोल सप्लाई किया, ट्रेन चली। जहां कोल का सप्लाई रुका वहां पर ट्रेन रुक जाएगी। सो आई विल से कोल is a source of energy. कोल क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है इस ट्रेन के लिए। और यह सोर्स ऑफ एनर्जी कब तक है? जब तक इसकी सप्लाई चालू है। जब इसकी सप्लाई रुक जाएगी तब उसमें कोई एनर्जी रहेगी ही नहीं। जब ट्रेन में आपने कोल ही नहीं डाला तो ट्रेन चलेगी कैसे? उसके पास एनर्जी ही नहीं आएगी तो वर्क कैसे होगा? तो इसीलिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या होना चाहिए? हम कहेंगे कि अ सोर्स ऑफ एनर्जी शुड प्रोवाइड फॉर शुड प्रोवाइड इट शुड प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक बहुत लंबे समय के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके वो होगा सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ सोचिए, मैंने कोल से ट्रेन कैसे चलाई? मैंने कोल में आग लगा दी, कोल में आग लगाई तो आग लगाने से कोल कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी के फॉर्म में और लाइट एनर्जी। कोल से मुझे दो प्रकार की एनर्जी मिली जब मैंने इसे जलाया, एक हीट एनर्जी मिली और एक लाइट एनर्जी। मैंने यूज करा इस हीट एनर्जी को और इसके थ्रू मैंने करवाया वर्क। आपने कोल डाला, उसमें आग लगाई, आग लगाने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई और हीट एनर्जी से आपने वर्क करवा लिया और वर्क हो गया। वर्क हो गया मतलब आपकी ट्रेन चल गई, और ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलती जाएगी। आपने क्या करा? कोल डाला, हीट बनी, वर्क हुआ। कोल डाला, हीट बनी, वर्क हुआ। फिर कोल डाला, फिर हीट बनी, फिर वर्क हुआ। और ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक कोल डालते रहोगे तब तक हीट बनती रहेगी, तब तक ट्रेन चलती रहेगी। लेकिन लेकिन अगर मैंने कोल की जगह एक
बॉम्ब लिया, एक बॉम्ब जो आप सुतली बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, जो आप यूज करते हैं फेस्टिवल पे जो फोड़ते हैं वो वाला बॉम्ब। इस बॉम्ब से, इस बॉम्ब को जब मैं फोड़ता हूं, मैंने ब्लास्ट दिस, इसमें कुछ माचिस लगा के, ऐसे माचिस से जला के इसे मैं फोड़ता हूं, तो जब हम इसे फोड़ते हैं तो हमें हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। और साउंड एनर्जी मिलती है। तीन प्रकार की एनर्जी इसे इससे हमें मिलती है। नाउ जैसे यहां पे देखा, कोल डाला हीट बनी गाड़ी चली, कोल डाला हीट बनी गाड़ी चली, तो क्या सेम प्रोसेस मैं यहां पे नहीं रिपीट कर सकता? बॉम्ब फोड़ा, हीट बनी, गाड़ी चली, फिर बॉम्ब फोड़ा, फिर हीट बनी, फिर गाड़ी चली। क्या आप इस तरह से पटाखे फोड़ फोड़ के ट्रेन को चला सकते हो? क्या ट्रेन चल सकती है अगर उसमें आप कॉन्स्टेंटली पटाखे फोड़ते रहो? तो हम कहेंगे नो, ये प्रोसेस नहीं हो सकती। ये प्रोसेस होती है लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज फिजिबल नहीं है। मैं एक ट्रेन के इंजन में बम फोड़ फोड़ के उसे नहीं चला सकता, वो चीज नहीं हो सकती। भले ही हमें दिख रहा है कि यहां से कोल हीट से वर्क हुआ, बॉम्ब हीट से वर्क हुआ, तो हीट से वर्क तो दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन फिर क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जब बॉम्ब भी मुझे हीट बना के दे रहा है, कोल भी मुझे हीट बना के दे रहा है, तो फिर मैं बॉम्ब क्यों नहीं फोड़ सकता? मैं कोल ही क्यों यूज करूं? मैं बॉम्ब फोड़ के काम चला लेता हूं। सोचिए क्या होना चाहिए ऐसी वजह कि मैं बॉम्ब यूज नहीं कर सकता और मैं कोल यूज करता हूं। तो हम कहेंगे कि जो एनर्जी बॉम्ब, जो हीट एनर्जी बॉम्ब देता है, ये जो हीट एनर्जी है, ये एनर्जी बहुत ही कम समय के लिए निकलती है। हम कहेंगे जो एनर्जी बॉम्ब रिलीज कर रहा है, जो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये हीट एनर्जी बहुत ही छोटे से समय में रिलीज हो जाती है। द एनर्जी फ्रॉम दिस बॉम्ब इज रिलीज्ड इंस्टेंटली। एनर्जी जो इस बॉम्ब के अंदर है वो इंस्टेंटली रिलीज हो जाती है। आपने बॉम्ब फोड़ा, खत्म, बॉम्ब फोड़ा, खत्म। अगर आप 1 किलो बॉम्ब फोड़ेंगे तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। अगर आप 1 किलो कोल जलाएंगे तो कोल थोड़ा सा लंबे समय तक चलता रहेगा, ओके, लंबे समय तक जलता रहेगा और धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, हीट एनर्जी स्लो स्लो मिलेगी। अगर आप खाना पका रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम नीचे कोयला या लकड़ी रख देते हैं, कोल या फिर वुड, और उसको आग लगा देते हैं और उस पर ऐसा खाने का बर्तन रख देते हैं, तो वो कोल धीरे धीरे जलता जाता है और धीरे धीरे एनर्जी सप्लाई करता जाता है। ऐसा तो नहीं कि आपने आग लगाई और खत्म, ओके, धीरे धीरे आप उसमें से एनर्जी लेते जाते हैं और आपका खाना पकता जाता है, हीट एनर्जी बनती जाती है। लेकिन क्या आप बॉम्ब फोड़ फोड़ के खाना पका सकते हो? आपको जहां पे कोल रखना चाहिए आपने लेट से वहां पे बम फोड़े, बहुत सारे बम रख दिए और एक 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 करके सब में आग लगा रहे हो, तो बम फोड़ फोड़ के क्या आप अपने खाने को पका सकते हो? जबकि एनर्जी वहां से भी हीट मिल रही है और कोल से भी हीट मिल रही है, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज बॉम्ब से जो हीट एनर्जी मिल रही है वो सेकेंड्स के लिए निकलती है। बॉम्ब से जो एनर्जी मिलती है वो बहुत फास्ट रिलीज हो जाती है और खत्म हो जाती है, यूनिवर्स में फैल जाती है। आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते, बॉम्ब से एनर्जी निकली, खत्म। लेकिन कोल को जलाया तो कोल कुछ समय तक जलता है, धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करना को हम कहेंगे इट सप्लाई, इट रिलीज एनर्जी एट अ स्टेडी रेट। इस चीज को हम कहेंगे कि कोल एनर्जी को स्टेडी रेट पे सप्लाई करता है, स्टेडी रेट पे रिलीज करता है, स्लो स्लो रिलीज करता है। तो बताइए कौन अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है?
क्या एक बहुत बड़ा बॉम्ब जो बहुत सारी हीट देता है, या थोड़ा सा कोल जो कम हीट देता है? हम कहेंगे कोल, बिकॉज कोल से निकलने वाली एनर्जी को हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉम्ब से निकलने वाली एनर्जी को हम यूज नहीं कर सकते। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसे यूज नहीं कर सकते। तो आई विल से दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमने जो ये कैरेक्टरिस्टिक लिखी है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, हम किस चीज को सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, तो हम कहते हैं कि इट शुड प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये पहली चीज। और दूसरी चीज इसी में हम ऐड कर देते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ स्टेडी रेट, एक स्टेडी रेट पे, एक कांस्टेंट रेट पे धीरे धीरे एनर्जी देनी चाहिए, तभी हम उसे यूज कर सकते हैं, और एल्स हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कि सन, सन धीरे धीरे एनर्जी देता है। अगर मान लो सन के पास जितनी एनर्जी है, जितनी लाइट है, वो एक साथ धरती पे दे दे, तो क्या होगा? अर्थ विल बर्न, अर्थ खत्म हो जाएगी, जल जाएगी पूरी, एक एक चीज सब कुछ जल चुका होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग आप सुनते हैं, क्या होता है, हीट एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, अर्थ में हीट एनर्जी बढ़ रही है, और सन से एक साथ बहुत सारी एनर्जी आ गई, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक आपको एनर्जी देता रहेगा, और एक स्टेडी रेट पे ही देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज सन ने थोड़ी एनर्जी दी, कल बहुत ज्यादा दे दी, परसों दी ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, सो दीज टू, दिस इज द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस पूरे चैप्टर में हम सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऐसे सोर्सेस को देखेंगे, ऐसे सोर्सेस जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें देखेंगे, जो कॉन्स्टेंटली हमें एनर्जी देते हैं, जो सडन एनर्जी नहीं देते, इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते, कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं। जैसा ग्लूकोज के लिए बोलते हैं कि ग्लूकोज पीते से इंस्टेंट एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टेंट एनर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर वो चीज इंस्टेंटेनियसली हो रही है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, वो स्लो प्रोसेस होगी तभी आप उसे यूज कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ एनर्जी की, तो प्रैक्टिकली कौन से सोर्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकली हम किस तरह के सोर्सेस को देख सकते हैं? सबसे पहला तो होगा सन। सन से आने वाली एनर्जी कैसी है, ये कांस्टेंट एनर्जी है, ये लंबे समय तक आएगी और स्टेडी रेट पे आती रहेगी। उसके बाद कोल, अभी हमने देखा कोल को प्रैक्टिकली यूज क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करता रहेगा। देन विंड, क्या विंड एनर्जी को मैं यूज कर सकता हूं? हाँ, विंड एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कैसे, आपने देखा होगा विंड मिल, एक नाम सुना होगा। विंड मिल क्या होता है, एक बहुत बड़ा पंखा होता है, वो पंखे को हम कुछ इस तरह से लगाते हैं कि जब हवा चले तो वो पंखा घूमने लगे। जब वो पंखा घूमता है तो पंखे के घूमने से क्या होता है, उसके उस विंडमिल के अंदर एक जनरेटर लगा होता है। ओके, जनरेटर होता है, तो वो जनरेटर घूमता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब ऐसा हो कि अगर विंड एक दिन बहुत ज्यादा तेज चल जाए और अगले दिन चले ही ना, तो क्या मैं उस तरह की विंड का कोई यूज कर पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। हम कहेंगे कि विंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है। विंड इसीलिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि ये लंबे समय तक एनर्जी देती रहेगी और एक स्टेडी रेट पे देती रहेगी। देन नेक्स्ट आता है विंड के बाद ओशन एनर्जी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, ओशन एनर्जी। ओशन एनर्जी मतलब ओशन जो होता है, जो पानी का ओशन है, उस ओशन में एनर्जी होती है। वो एनर्जी हमें एक कांस्टेंट रेट पे मिलती है, एक स्टडी रेट पे, और लंबे समय तक मिलती है। ओशन एनर्जी मतलब ओशन में क्या होते हैं, आपने सुना है, जो हम कहते हैं कि फुल मून जब होता है तो फुल मून में टाइड्स आते हैं। टाइड्स आते हैं क्योंकि मून अट्रैक्शन करता है और टाइड्स क्रिएट होते हैं। टाइड्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत हाइट के होते हैं, फिर एकदम से गिर जाते हैं। तो ऐसा बहुत ऊपर जाता है पानी और फिर नीचे आ जाता है।
तो ये जो पानी का मूवमेंट है, ऊपर जाना और नीचे आना, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली वर्क। अब मुझे ये पता है कि मैं किसी भी वर्क को कन्वर्ट कर सकता हूँ एनर्जी में, तो इसीलिए जो ये पानी ऊपर गया और फिर पानी नीचे आया, तो हम कहेंगे कि पानी के इस मूवमेंट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसी? साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक ऐसा टर्बाइन बनाया। उस टर्बाइन को क्या करा, इस तरह से इंस्टॉल किया कि जब टाइड्स आए तो टाइड्स के आने से वो टर्बाइन घूमने लगे। वो टर्बाइन जब घूमने लगेगा तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। देखिए बेसिकली हमारा एम क्या होता है, हमारा एम जो होता है वो यही है कि हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ले लें, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को ले लें, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। मेजर जो हमें यूज है, मेजॉरिटी यूज जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी। जरा सोचिए कि एक दिन अगर पूरे वर्ल्ड की हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दें, इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कट कर दें, तो क्या होगा? ये वर्ल्ड आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, हमारा कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अब इस वक्त इस एज में आके हम इस इलेक्ट्रिसिटी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हमने अडेप्ट कर लिया है और अब कोई भी काम हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना सोच ही नहीं सकते। आपके जो टू व्हीलर होता है, जो आप साइकिल चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। आप खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। क्या आप कच्चे सब्जियां, कच्ची घास खा सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, हमें उसे पकाना होगा। पकाने के लिए आजकल आपने देखा इलेक्ट्रिक कुकर आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम घर में कंप्यूटर चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हमारा एम कैसा बन गया? हमारा एम बन गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो। लेकिन यूनिवर्सल लॉ कहता है कि आप प्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकते, आप एनर्जी प्रोड्यूस कभी भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन के लिए क्या होगा, किसी चीज के पास एनर्जी है, मुझे वो एनर्जी उसमें से निकाल के इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करनी है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने ऐसे सोर्सेस ढूंढने शुरू किए, एक एनर्जी के सोर्स ढूंढने शुरू किए जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सके, जिसकी एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकें और वर्क से वापस एनर्जी कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। सो इसीलिए हमने ओशन एनर्जी की बात करी। ओशन एनर्जी से आप सिर्फ यही कर सकते हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, आप और कोई प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप और कोई प्रकार की एनर्जी यूज ही नहीं करते। सो इसीलिए हमने कहा कि जब टाइड्स आते हैं, टाइड्स हाइट पे जाके वापस जब गिरते हैं, तो वहां पे ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया कि जब टाइड्स आए तो वो टर्बाइन घूमने लगे, टर्बाइन घूमेगा तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो जो टाइड्स की एनर्जी है उसे हमने नाम दे दिया टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी मतलब टाइड्स की एनर्जी। ओशन एनर्जी में दूसरी चीज आती है ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी मतलब आप ये जानते हैं कि पानी जो रहता है ओशन में, जो पानी है उस पर जब सन रेज पड़ती हैं तो वो गर्म होता है, तो उस ओशन में क्या है, गर्मी है, उसके अंदर थर्मल एनर्जी है। थर्मल मतलब हीट की एनर्जी। वो हीट एनर्जी से हम कैसे यूज करते हैं, वो हीट एनर्जी से हम स्टीम बनाते हैं, अगेन यूजिंग सम टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी क्या है, दैट इज नॉट अवर डिस्कशन। अभी हम पहले बेसिक चीज को समझते हैं कि हम ओशन से, जो ओशन के पास हीट एनर्जी है, उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हमने क्या यूज करा, ओशन के पास टाइडल एनर्जी है तो टाइड को यूज कर लिया। फिर हमने देखा कि ओशन के पास थर्मल एनर्जी भी है तो इस थर्मल एनर्जी को भी यूज कर लिया। और ओशन के पास एक एनर्जी और होती है जिसे हम कहते हैं वेव एनर्जी। वेव एनर्जी मतलब जो पानी की लहरें चलती हैं ऐसी, ये लहरों के मोशन से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगेन यूजिंग सम टेक्नोलॉजी, दैट इज टर्बाइन। टर्बाइन आप कनेक्ट करेंगे, जब पानी ऐसा बहेगा तो टर्बाइन अपने आप घूमेगा और घूमने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ओशन की एनर्जी को हम तीन तरह से यूज कर रहे हैं।
ओशन में जो पानी है क्या वो कभी खत्म होगा? हम कहेंगे नो। अगर वो पानी खत्म नहीं होगा इट मींस वेव एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, वो हमेशा चलती रहेगी। क्या टाइडल एनर्जी खत्म हो सकती है? टाइड्स आने खत्म हो सकते हैं? ये तो तभी हो सकता है या तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर मून डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ना अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है ना मून डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर मून खत्म हो जाएगा तभी टाइड्स आने बंद हो जाएंगे, लेकिन मून तो रहेगा, मून तो है, हर 15 दिन में ऐसा होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि टाइडल एनर्जी भी कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी, ये खत्म नहीं होने वाली। क्या ओशन थर्मल एनर्जी खत्म होगी? ओशन थर्मल एनर्जी तब खत्म होगी जब सन खत्म हो जाएगा, लेकिन सन भी खत्म नहीं हो रहा। तो सन खत्म नहीं हो रहा इट मींस ओशन थर्मल एनर्जी हमें मिलती रहेगी, कॉन्स्टेंटली मिलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली। सो ओशन एनर्जी के जो तीन हमने वेज देखे, ये तीनों वेज खत्म नहीं होने वाले, ये तीनों वेज स्टेडी रेट पे हमें सप्लाई करते रहेंगे, एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे। सन खत्म नहीं होना, विंड खत्म नहीं होनी, कोल खत्म होना है। लेकिन कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि अभी कोल जो है वो इस मात्रा में प्रेजेंट है कि थोड़े कुछ लंबे समय तक हमें एनर्जी देता रहेगा। बहुत पहले से कोल एनर्जी देता हुआ आ रहा है और आगे कुछ 30-40 साल 50 साल और एनर्जी देता रहेगा, उसके बाद खत्म होगा, लेकिन तब तक तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे यस, कोल इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल के बाद क्या होता है? गैस, जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, जो एलपीजी हम यूज करते हैं घर में, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस करके यूज होता है एलपीजी का सिलेंडर, दैट इज नथिंग बट अ नेचुरल गैस। ओके, वो गैस से हम खाना पकाते हैं, वो गैस को हम माचिस दिखा के उस पर कंबशन करते हैं, जो फायर प्रोड्यूस होती है, कंबशन से हम हीट एनर्जी लेते हैं और हीट एनर्जी से खाना पकाते हैं। सो ये चीज भी अभी खत्म नहीं होने वाली, सो दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं इसीलिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन आता है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। जो यूरेनियम होता है या थोरियम होता है, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के पास कुछ एनर्जी होती है। आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, एक न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसमें प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी अवेलेबल होती है। अगर हम उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें तो हम उससे बहुत सारे अच्छे काम करवा सकते हैं, हम उसे बहुत अच्छे यूज में ला सकते हैं, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि हम पूरे वर्ल्ड को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एक न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। बहुत बहुत एडवांस लेवल पे इस चीज की स्टडी इस वक्त चल रही है कि उसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे यूज किया जाए, और प्रैक्टिकली यूज होती भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन करके कंपनी भी है, तारापुर में है। आप अगर इस चीज के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एनर्जी है। ये ऐसा नहीं है कि आप घर में ऐसा न्यूक्लियस को यूज कर लो कि आपने न्यूक्लियस ले लिया और उसे फोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल ली, ऐसा नहीं कर सकते। ये घर पे यूज नहीं हो सकता, हाउस होल्ड यूज के लिए ये चीज नहीं होती। ये साइंटिस्ट यूज करते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से। अब आप पूछोगे यूज किस लिए करते हैं, तो अगेन न्यूक्लियर एनर्जी को भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। देखिए, हर प्रकार की एनर्जी जो हम देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, वो सभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो सभी यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। ओके, सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज दे फॉलो दिस डेफिनेशन। अगर इनमें से कोई चीज ये डेफिनेशन फॉलो नहीं करेगी, देन वी कैन से दैट इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, सो यू कैन नोट दिस।